हे हेलो वेलकम टू का एंड टू सो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियोस में डिस्कस करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सर्स के बारे में अब एजियोट्रॉपिक मिक्सर्स को पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये एंड सच में बहुत बड़ा टास्क है अगर आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सर्स को पढ़ना है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत राउल लॉ के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत आपको वेपर प्रेशर एंड पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में पता होगा तो हम हमारा जो कॉनवर्जेशन है पहले वहीं से शुरू करते हैं देखिए सबसे बड़ा सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी आप कभी किसी कंटेनर में एक लिक्विड को लेते हो जब भी आप किसी कंटेनर में एक लिक्विड को लेते हो तो उस लिक्विड का अपना खुद का एक वेपर प्रेशर होता है अपना खुद का एक वेपर प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं पी नॉट ठीक है अब अब वो ए लिखो यहाँ पे या बी लिखो फर्क नहीं पड़ता और जब भी ये वेपर प्रेशर होता है ये हमेशा एक इक्वलीपीरियम में होता है एक डायनामिक डायनामिकवलीपीरियम होता है उसके लिक्विड के साथ अब अगर मान लीजिए एक कंटेनर लेता हूँ और उस कंटेनर में मैं दूसरा लिक्विड लेता हूँ एक सेकेंड लिक्विड लेता हूँ और मान लीजिए लिक्विड बी है और ये लिक्विड ए था तो अकेले लिक्विड का जब वो लिक्विड 100 परसेंट प्रेजेंट है तो उसका खुद का जो वेपर प्रेशर होगा उसको पी नॉट ऑफ ए कहेंगे और जो बी प्रेजेंट है अगर वो 100 परसेंट बी यहाँ प्रेजेंट होगा तो उसका अपना खुद का एक वेपर प्रेशर होगा जिसको पी नॉट ऑफ़ बी कहा जाता है अच्छा अगर इन दोनों को मिक्स करके एक तीसरे कंटेनर में अगर लिया जाए इन दोनों को मिक्स करके अगर एक तीसरे कंटेनर में ले लिया जाए तो यहाँ पर ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है अब यहाँ पर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि ए का कितना परसेंट प्रेजेंट है और बी का कितना परसेंट प्रेजेंट है क्योंकि अब जो आपने सल्यूशन बनाया है उसमें ए बी है और उसमें बी बी प्रेजेंट है नाउ डिपेंडिंग अपॉन ए का कितना परसेंटेज है हम परसेंटेज नहीं कहेंगे रेदर देन परसेंट हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करेंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करेंगे देखो मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज ए की बात है ठीक है अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो जीरो पॉइंट सिक्स है तो सीधी सीधी सी बात है बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो जीरो पॉइंट फोर होगा और टोटल मिला के वन आएगा इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ये सिक्सटी परसेंट प्रेजेंट है इसको कह सकते हो ये 40 परसेंट प्रेजेंट है टोटल मिला के यहाँ पर भी 100 परसेंट आएगा समझ रहे हो तो आप हम रेदर देन सेंग परसेंटेज हम कहेंगे कि उनका मोल फ्रैक्शन कितना है बोलते समय मैं परसेंटेज कहूँगा बट एक्चुअली में हम उनका मोल फ्रैक्शन लेते हैं अब जैसे आपने ए और बी को लिया दोनों वॉलेटाइल हैं दोनों उड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो प्रेशर बिकॉज ऑफ ए होगा और प्रेशर बिकॉज ऑफ बी होगा अब प्रेशर बिकॉज ऑफ ए कितना है और प्रेशर बिकॉज ऑफ बी कितना है इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका जो है उसको हम कहते हैं राउल्स लॉ राउल्स लॉ यू एल टी एस राउल्स लॉ और दूसरा जो तरीका होता है उसको कहा जाता है डाल्टन लॉ नाउ राउल्स लॉ क्या कहता है राउल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा यानी पी टोटल कितना होगा दैट विल बी पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ए है ना ये लिक्विड स्टेट में कितना था जब आपने जो सल्यूशन लिया उसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना था उस पर डिपेंड करेगा कि पार्शियल प्रेशर कितना होगा आपने जो बी लिया उसमें बी का मोल फ्रैक्शन कितना था उस पर डिपेंड करेगा कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा तो राउल्स लो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट प्लस पी नॉट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट बट डाल्टन स्लो क्या कहता है डाल्टन स्लो आपसे कहता है कि टोटल प्रेशर कितना होगा वो डिपेंड करेगा पी टोटल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैशियस फेज मतलब जब ए यहाँ पर आ जाएगा बी यहाँ पर आएगा थोड़ी देर के बाद जब वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेंगे क्योंकि आपने ए भी लिया है आपने बी भी लिया है जैसे ही आप इनको ऐड करोगे ए बी ऑपरेट करेगा बी बी ऑपरेट करेगा और वहाँ पर जाके वो अपना प्रेशर एग्ज करेगा ये अपना प्रेशर तो गैशियस स्टेट में भी ए प्रेजेंट है और लिक्विड स्टेट में भी ए प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये लिक्विड स्टेट का हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये गैशियस स्टेट का हो गया इन दोनों का रिलेशन हमने निकाल लिया तो आप जब डाल्टन लॉ से पूछते हो टोटल प्रेशर कितना है तो वो ये वाला मोल फ्रैक्शन लेता है और अगर राउल स् से पूछते हो पार्सल प्रेशर कितना है तो वो इसके मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बात करता है उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने इसका एक और वीडियो पहले बनाया हुआ है जिसमें मैंने राउल्स लो डाल्टन स् लो हैनरी स्लो तीनों को एक्सप्लेन किया है तो आप अगर मेरे चैनल पर आओगे तो इस वीडियो से जस्ट पहले का वो वीडियो अवेलेबल है आप देख सकते हो ठीक है ना इससे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या लेना देना है बहुत लंबा चौड़ा लेना देना है इसका देखिए जब आप किसी कंटेनर में दो लिक्विड्स को लेते हो ठीक है पिस्टन लगा देता हूँ दो लिक्विड को ले लेते हो ए को और बी को तो जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है उसके वेपर ज़्यादा आएंगे यहाँ पे इसके वेपर ज़्यादा होंगे और जो बी है जो कम वॉलेटाइल है उसके वेपर प्रेशर कम होंगे अब जैसे जैसे आप ए का परसेंटेज और बी का परसेंटेज चेंज करते जाओगे उनका जो वेपर प्रेशर है वैसे वैसे, वैसे बदलता जाएगा और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से एक बाइनरी ग्राफ बना के ठीक है जहाँ पे हम यहाँ कॉम्पोजिशन ले लेते हैं ठीक है और इनका अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये आइडियल सोल्यूशन है क्या है ये आइडियल सोल्यूशन तो आइडियल सोल्यूशन में अगर मान लीजिए ए ज़्यादा वॉलेटाइल है तो अगर 100 परसेंट ए प्रजेंट होता तो उसका वेपर प्रेशर होता पी नॉट ऑफ ए जो ज़्यादा वॉलेटाइल है और बी जो है अगर बी थोड़ा कम वॉलेटाइल है ज़्यादा उड़ता नहीं है ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्जट नहीं करता है। तो उसका जो वेपर प्रेशर होता मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब यहाँ वन होगा तो ये हो जाएगा पी नॉट ऑफ बी देखो जैसे आप यहाँ से वहाँ जाने लगोगे तो धीरे धीरे ए का परसेंटेज कम होता है और बी का परसेंटेज बढ़ने लगेगा जैसे जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है पर जैसे जैसे आप वहाँ जाओगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा पर बी का वैल्यू वन हो जाएगा तो ये एक्स एक्सेस पे आप क्या प्लॉट कर रहे हो कॉम्पोजीशन इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन अलग अलग लेवल पे क्या क्या कॉम्पोजिशन था ऐसा भी एक कॉम्पोजिशन आया होगा जहां पर ए जो है वो जीरो पॉइंट एट होगा और ये जीरो पॉइंट टू हुआ होगा ऐसा भी कोई आया होगा जब ये जीरो पॉइंट टू होगा और ये जीरो पॉइंट एट हुआ होगा ऐसा भी कॉम्पोजिशन होगा जब ये पॉइंट फाइव होगा या पॉइंट फाइव होगा अब अगर ये आइडियल सोल्यूशन है आइडियल सोल्यूशन अगर है तो जैसे जैसे आप एक आप फ्रैक्शन कम करते जाओगे वैसे वैसे उसका प्रेशर जो है पार्शल प्रेशर वो कम होते जाएगा और फिर वो ज़ीरो हो जाएगा और जैसे जैसे आप बी को बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे बी का परसेंटेज बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो टोटल तो प्रेशर कितना हो जाएगा अब भाई टोटल प्रेशर जब भी आप जैसे मैं आपसे कहूँ बताओ जीरो पॉइंट एट में और जीरो पॉइंट टू का जब रेशियो होगा अस्सी परसेंट ए प्रेजेंट है ट्वेंटी परसेंट बी प्रेजेंट है तो बताओ टोटल प्रेशर कितना हुआ तो ए की वजह से जो प्रेशर है वो इतना है ये है आपका प्रेशर बिकॉज ऑफ ए कैन यू सी दिस इसको हम कहेंगे पी ऑफ ए और ज़ीरो पॉइंट टू में ये है आपका प्रेशर बिकॉज ऑफ बी ये प्रेशर तो दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ आएगा तो ये जो लाइन है ये लाइन ये आपको बताती है आइडियल सोल्यूशन का टोटल प्रेशर तो ये पी टोटल हो गया ये पार्शल प्रेशर ऑफ ए हो गया और ये ब्लैक लाइन पार्शल प्रेशर ऑफ़ बी हो गई सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आइडियल सोल्यूशन अब हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं मैं पहले ही कह चुका हूँ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें पहले पढ़ के आइएगा दूसरी बात अगर ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होता मान लीजिए ए प्लस बी अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन होता और ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन होता जिसमें ए और बी एक दूसरे को पसंद नहीं करते उनके बीच में आपस में रिपल्शन होता ए बी को रिपेल करता बी ए को रिपेल करता उनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं है उस पर्टिकुलर केस में जो आपका ग्राफ बनता है तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन तो वो पॉजिटिव डेविएशन में मान लीजिए ये प्रेशर बिकॉज ऑफ़ ए है और ये प्रेशर बिकॉज ऑफ़ बी है ठीक है अब आइडियली तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ऐसे ऐसे पर सिंस वो पॉजिटिव डेविएशन है मॉलिक्यूल एक दूसरे को पसंद नहीं करते एक ऐसा कॉम्पोजिशन आएगा इंस का जिस पे प्रेशर सबसे मैक्सिमम होगा ठीक है प्रेशर उतना नहीं होगा जितना आइडियली होना चाहिए कैन यू सी आइडियल प्रेशर ये था ये आइडियली प्रेशर सोल्यूशन का होना चाहिए ठीक है और ये आइडियली प्रेशर ए का होना चाहिए जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जैसे जैसे कम होने लगेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जैसे जैसे कम होने लगेगा उसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए था लेकिन कुछ इस तरीके से कम होगा ऐसे ठीक है अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जैसे जैसे बढ़ना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जैसे जैसे वहाँ पे बढ़ेगा उस डायरेक्शन में वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ना चाहिए था लेकिन उसका प्रेशर कुछ इस तरीके से पड़ेगा इसको कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन आई होप आपको ये आता है ड्राउल स्लो में हमने ये पढ़ा है अब यहाँ पर एक ऐसा कॉम्पोजिशन एक ऐसा कॉम्पोजिशन बनता है जिसपे वेपर प्रेशर सबसे मैक्सिमम होगा मतलब ए और बी का एक ऐसा रेशियो हो सकता है सिक्सटी फोर्टी का हो हो सकता है थर्टी सेवेंटी का हो हो सकता है सेवेंटी थर्टी का हो ऐटी ट्वेंटी हो ट्वेंटी एटी हो वी डोंट नो पर एक ऐसा और जरूरी नहीं हो फिफ्टी फिफ्टी होता है पहले मैं कह देता हूँ ऐसा नहीं है फिफ्टी फिफ्टी होगा एक ऐसा कॉम्पोजिशन होगा जिसपे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ठीक है चलो ये समझ में आया ये तो आइडियल सोल्यूशन हो गया ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन भी होता है हो सकता है ए और बी एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि वो उड़े ही ना और उनका जो वेपर प्रेशर है वो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम हो जाए यानी जैसे जैसे मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को आगे बढ़ाऊंगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है तो जैसे जैसे मैं सेम ग्राफ लेके चल रहा हूँ तो हो सकता है सल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ना हो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाए और ए का वेपर प्रेशर अगर मैं उस समय बताऊं तो हो सकता है ए का वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से हो और बी का वेपर प्रेशर हो सकता है कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए इसको कहते हैं नेगेटिव डेविएशन क्या कहते हैं इसको नेगेटिव डेविएशन प्लीज़ ये सब चीज़ें पहले पढ़ लेना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखने से पहले मैं फिर भी ये सब चीज़ों को कवर करते हुए चल रहा हूँ बहुत ऊपर ऊपर से इनके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी भी ठीक है तो इतना हमें समझ में आ गया तो यहाँ पर भी एक ऐसा कॉम्पोजिशन होगा एक ऐसा कॉम्पोजिशन जहाँ पे सबसे कम वेपर प्रेशर होगा मतलब ए और बी का एक ऐसा रेशियो जिसको ऐड करने पर वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा मतलब उस समय सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई होगी अब मेरा आपसे क्वेश्चन है एक काम करते हैं तीनों ग्राफ को यहाँ बनाते हैं आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ सर आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ऐसे था आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ऐसे था और आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ये ऐसे था ये पी नॉट ऑफ बी था ये P नॉट ऑफ A था यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A था जो कि वन था यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ़ B था जो कि वन था और ये कम होते जा रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ पे जीरो हो जाएगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B का वैल्यू ज़ीरो था ये आइडियल सोल्यूशन अच्छा पॉजिटिव डेविएशन बताओ कैसे बनाओगे तो सर पॉजिटिव डेविएशन को बनाना बड़ा आसान है ये पी नॉट ऑफ ए हो जाएगा ये पी नॉट ऑफ बी हो जाएगा और ये जो है ये इस तरीके से आएगा ये इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से आएगा एक ऐसा प्रेशर जरूर आया होगा जो सबसे मैक्सिमम प्रेशर होगा ठीक है अब मैं मोल फ्रैक्शन को बार बार नहीं लिख रहा हूँ आप समझ गए रहोगे क्या है मैं नेगेटिव डेविएशन को बनाता हूँ नेगेटिव डेविएशन में सर एक ऐसा प्रेशर आया एक ऐसा पॉइंट आएगा पी ये पी नॉट ऑफ़ ए है ये पी नॉट ऑफ बी है एक ऐसा प्रेशर आए एक ऐसा आएगा पॉइंट जहाँ पे सबसे कम वेपर प्रेशर होगा वेरी लेस वेपर प्रेशर और बाकी कॉम्पोनेंट्स का वेपर प्रेशर अगर प्लॉट करूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा ग्राफ मे नॉट बी प्रोपोशनल बट प्लीज़ आप तो ये पॉजिटिव डेविएशन है ये नेगेटिव डेविएशन है ये आइडियल सोल्यूशन है अच्छा मुझे एक बात बताओ जब तुम दोनों को ले रहे हो तो क्या हम इसको ये जो ग्राफ आपने बनाए हैं ये प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन इन ग्राफ्स को कहा जाता है पीएक्स टाइप के ग्राफ क्या कहा जाता है पी एक्स टाइप का ग्राफ जहां पे प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन को आपने प्लॉट किया क्या हम इनका टी एक्स ग्राफ बना सकते हैं टी एक्स ग्राफ ना वट बेसिकली डू यू मीन बाई टी एक्स ग्राफ सर टी एक्स ग्राफ का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखो जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा मतलब वो पहले से ज़्यादा उड़ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के तो अगर आपका वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर अगर आपका कम है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि आप उड़ी नहीं रहे आप नॉन वॉलेट हो तो मुझे बहुत हीट देनी पड़ेगी आपको ऊपर उड़ाने के लिए अगर आपका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा तो क्या मैं इनका ग्राफ बना सकता हूँ जो कि टी एक्स ग्राफ होगा बड़ा सिंपल है देखो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ इस तरीके से तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम तो ये टी ऑफ ए हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए ठीक है थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी हो जाएगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम था तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर दो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का लाइन हो जाएगा अलग अलग कॉम्पोजिशन पर जैसे अलग अलग कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर कितना था वैसे ही अलग अलग कॉम्पोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ आपको मिलेगा दिस ग्राफ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन है 100% परसेंट ए प्रेजेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा अगर 100% परसेंट बी प्रेजेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा पर जैसे जैसे ए कम होने लगेगा और आप उसके अंदर बी को ऐड करने लगोगे अलग अलग कॉम्पोजिशन पे जो सल्यूशन बनेगा उसका अलग अलग वेपर प्रेशर क्या होगा वो आप यहाँ से प्लॉट कर सकते हो तो इसको कहा जाता है टेम्परेचर प्लस और आप किसके वर्सेस प्लॉट कर रहे हो इसको मोल फ्रैक्शन के इसका ग्राफ मुझे बताइए कैसा आएगा अब इसके ग्राफ में आएगा ट्विस्ट आइडियल सोल्यूशन का तो प्रेशर का लाइन देखो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का लाइन स्ट्रेट था तो टेम्परेचर का लाइन भी स्ट्रेट आया बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे सोल्यूशन का प्रेशर बदल रहा था जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन चेंज करोगे अलग अलग परसेंटेज का रेशियो लोगे तो उनका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था और राउल्ड स्लो फॉलो कर रहा था स्ट्रेट लाइन एकदम राउल्ड स्लो फॉलो कर रहा था यहाँ पर राउल्ड स्लो फॉलो नहीं होता है पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में राउल्ड लॉ फॉलो नहीं होता है तो यहाँ पर यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन जो था दिस वाज योर आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन तो आइडियल सोल्यूशन में राउल लॉ फॉलो हुआ भाई प्रेशर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और जैसे जैसे कॉम्पोजिशन बदलोगे बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता जाएगा यहाँ पर डिफरेंस आएगा देखो जैसे जैसे आप कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हो एक मैक्सिमम प्रेशर वाला सोल्यूशन बन रहा है एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम प्रेशर है तो भाई जिस सोल्यूशन का प्रेशर ही मैक्सिमम है उस सोल्यूशन को बॉयल करना भी बहुत आसान हो जाएगा तो अगर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसका बॉइलिंग वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अब क्वेश्चन समझना आप जब कॉम्पोजिशन चेंज करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू जीरो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे जीरो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू यहाँ पे वन है आप जैसे जैसे कॉम्पोजिशन चेंज करोगे क्या उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा जी नहीं क्योंकि राउट स्लो तो फॉलो ही नहीं हो रहा है यहाँ पे जैसे जैसे आप कॉम्पोजिशन में यहाँ साइड में जा रहे थे धीरे धीरे वेपर प्रेशर बड़ा बड़ा मैक्सिमम पॉइंट पे गया और फिर वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम हुआ तो सल्यूशन का जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम था उस पॉइंट पे सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हुआ होगा अरे भाई सल्यूशन भी तो बॉइल करेगा जरूरी थोड़ी ना हमेशा आप ए लेके आओगे और हमेशा सिर्फ बी लेके आओगे अगर सिर्फ ए लाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट इतना सिर्फ बी लाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट इतना पर अगर ए प्लस बी लाया तो अगर ए प्लस बी को लाया तो उसका भी तो कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा ना तो जैसे जैसे आप ए प्लस बी के पास भागोगे आपका बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से चेंज होगा दिस इज़ द वे अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से आपका बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा इस तरीके से ना सिमिलरली अगर मैं ये नीचे वाले ग्राफ को बताऊँ ये नीचे वाले का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ इस तरीके से वीडियो लंबा होने वाला है मैं पहले ही कह दे रहा हूँ ये वीडियो आ, सिर्फ एम एस सी के बच्चों के लिए है स्पेशली जेई नीट के बच्चे ना देखें तो आपके लिए बेटर होगा ठीक है अच्छा इसको अगर मैं प्लॉट करूँ तो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम वेपर प्रेशर सबसे कम तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा टी ऑफ बी है ये ये टी ऑफ बी है ये टी ऑफ ए था यहाँ पे ये टी ऑफ ए था ठीक है अब मैं मोल फ्रैक्शन नहीं लिख रहा हूँ जैसे जैसे सोल्यूशन का आप यहाँ जा रहे हो वेपर प्रेशर धीरे धीरे सबसे लोवेस्ट गया तो भाई सीधी सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम जाएगा और ऐसा आएगा तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि टी एक्स का ग्राफ और पी एक्स का ग्राफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है अपोजिट होता है लेकिन बात यहीं पे आके रुकती नहीं है देखिए जब आप टी एक्स का ग्राफ बनाते हो जब भी आप एक कंटेनर लेते हो मान लीजिए और उस कंटेनर के अंदर आपने एक ए लिया है और आपने एक बी लिया है अलग अलग परसेंटेज है मान लेते हैं फॉर अ टाइम बिंग ये 60 परसेंट प्रेजेंट है और ये 40 परसेंट प्रेजेंट है और आप इसको लेके आ गए आप इसको बॉईल कर रहे हो आप इसको बॉईल कर रहे हो आपने ए और बी का रेशियो लिया और आप इनके बॉइलिंग पॉइंट पर आ गए हो सर बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे मान लेते हैं एक ऐसा मिक्सर है ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है ये आइडियल सोल्यूशन है चलो मान लेते हैं आइडियल सोल्यूशन है तो भाई आइडियल सोल्यूशन का अगर मैं टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करूँ टी एक्स का ग्राफ यहाँ पे टेम्परेचर लूँ और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लूँ और मान के चलते हैं कि ये वाला हम यही वाला ग्राफ लेके चलते हैं ए वाला ग्राफ जिसमें टेम्परेचर ऑफ ए कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है तो इसका पी एक्स का ग्राफ कैसे आ जाएगा इसका पी एक्स का ग्राफ जो होगा ये पी नॉट ऑफ ए हो जाएगा और ये पी नॉट ऑफ बी देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री है ये कॉम्प्लीमेंट्री ये ये प्रेशर ऑफ सल्यून लिख रहा हूँ मैं अब मैं सोलूशन की बात करता हूँ तो टेम्परेचर ऑफ़ सल्यूशन कैसा हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ़ सल्यूशन ऐसा हो जाएगा ठीक है मान लेते हैं आपने 60 40 का रेशियो ले लिया ए जो है वो आपका 60 परसेंट है और बी जो है वो आपका 40 परसेंट है तो मैं ऐसे ये वाला ग्राफ लेके चलता हूँ 60 परसेंट जो आपके पास है वो ए है और आपके पास जो बी है वो आपका 40 परसेंट है इस कॉम्पोजिशन का 60 40 का जो आपने कॉम्पोजिशन लिया है ए और बी का लिक्विड का उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा आप एक काम करो इसको हीट करना शुरू करो. करो, करो हीट करो हीट करो हीट करो हीट करो हीट करो तो ये बॉयल होगा बॉईल होगा बॉईल होगा बॉयल होगा जिस समय ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर चला जाएगा अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना अब मेरा एक क्वेश्चन है जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा ए पी एवॉपरेट करेगा बी भी इवापरेट करने की कोशिश करेगा कौन ज़्यादा इवाप्रेट करेगा सर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ज़्यादा इवापरेट करेगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो कम इवाप्रेट करेगा एम आई राइट तो जब वो इवापरेशन करेंगे तो वेपर का भी एक कॉम्पोजिशन बनेगा और उसके बाद लिक्विड का एक कॉम्पोजिशन बनेगा लेकिन इवापरेशन करने के बाद सिंस मिर्जे यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मैं कह सकता हूँ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो लिक्विड मेरे पास बनेगा उसमें से ए ज़्यादा निकल जाएगा ए ज्यादा निकल जाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है और जो वेपर होगा उसमें ए ज़्यादा हो जाएगा तो मैं यूं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर आने के बाद आपका दो लेयर बन गया एक आपके पास वेपर फेज़ बन गया है जिसको हम कहेंगे वेपर फेज़ और एक आपके पास जो बचा है वो कौन सा फ़ेज बच गया है वो आपके पास लिक्विड फ़ेज बच गया है अब वेपर फेज़ में भी ए है और बी है और लिक्विड में भी ए है और बी है इवापरेशन बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद मान लेते हैं ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ए का नहीं बी का नहीं सल्यूशन का ठीक है सिक्सटी फोर्टी का जो रेशियो हमने लिया है सिक्सटी परसेंट ए लिया है फोर्टी परसेंट बी लिया है उसका जो था ये बॉइलिंग पॉइंट था तो इस बॉइलिंग पॉइंट पर जो लिक्विड है उसमें बी ज़्यादा रह जाएगा तो अब मुझे ये सवाल उठता है कि बी का कॉम्पोजिशन बदल गया लिक्विड का जो सिक्सटी फोर्टी तुमने लिया था अब वो सिक्सटी फोर्टी नहीं रहा है क्योंकि उसमें से ए ज़्यादा उड़ के ऊपर चला गया है और बी थोड़ा कम उड़ के गया है तो लिक्विड का कॉम्पोजिशन क्या है तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं ये लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आया वहाँ से एक लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये जो है कैन यू सी ये टूवस बी जा रहा है टूवर्ड्स बी जा रहा है लाइन ये अब जो कॉम्पोजिशन बनेगा ये आपका बन जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड जो कि रिच इन बी होगा क्योंकि वो बी की तरफ हो क्योंकि बी ज़्यादा रह गया ना ए ज़्यादा वॉलेटाइल था कैन यू सी वाटर वेपर प्रेशर ए का कम था बॉइलिंग पॉइंट कम था तो ए ज़्यादा उड़ के चला गया सोल्यूशन में बी रह गया बी अभी भी वहीं पे है बी उड़ नहीं पाया क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उस तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ये लाइन जो है वो आपको बताती है लिक्विड का कॉम्पोजिशन क्या है और लिक्विड बी की तरफ भर रहा है और सिमिलरली जब आप ले एक लाइन आपने यहां ड्रॉ करोगे ये लाइन ये आपको बताएगा कॉम्पोजिशन ऑफ ए ये क्या बताएगा कॉम्पोजिशन ऑफ ए या मैं कहूंगा कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर वेपर रिच इन रिच इन बी अब देखो एक बात है ऐसा नहीं है कि वेपर बनते समय बॉइलिंग पॉइंट जब आया तो बी उड़ के नहीं गया बी उड़ के गया बट कम लिमिट में गया ज्यादा उड़ के कौन गया ए में गया अब एक काम करो यहाँ पर आपका लिक्विड बच गया है ये जो है आपका ये जो आपका वेपर है और ये आपका लिक्विड है कैन यू सी दिस ये लिक्विड है अब इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा उतना नहीं होगा जितना 60-40 का था क्योंकि अब लिक्विड का कॉम्पोजिशन बदल गया है लिक्विड में बी पहले 40 परसेंट था और ए 60 परसेंट था अब ए उड़ गया ज़्यादा तो बी ज़्यादा हो गया अब हो सकता है रेशियो ऐसा हो जाए कि ये हो सकता है 40 परसेंट हो जाए ए 40 परसेंट बच जाए और ये हो सकता है अब यहाँ पे 60 परसेंट अब 60 परसेंट बी प्रेजेंट है लिक्विड में अब लिक्विड में अगर 60 परसेंट बी प्रेजेंट है ज़्यादा है बी और ऊपर ए ज़्यादा है और बी साथ में गया है ऊपर ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला ए गया था बी भी गया था ऊपर बट बी ज़्यादा लिक्विड में था कम ऊपर गया था अब इस कॉम्पोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा इसको अब अगर तुम्हें बॉईल करना है तो टेम्परेचर को फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा कैन यू सी दस टेम्परेचर इज इंक्रीज़ और जैसे ही इस टेम्परेचर पे आओगे अब फिर से ये सोल्यूशन बॉयल होने लगेगा मी से दिस टेम्परेचर पर तो अब फिर से क्या होगा फिर से ए ऊपर चला जाएगा क्योंकि ए का वेपर बॉइलिंग पॉइंट कम था है ना तो ये अब कॉम्पोजिशन हो जाएगा और वेपर का जो ऊपर गया है जो अब और एक्स्ट्रा वेपर ऊपर निकल के आया उसका कॉम्पोजिशन ये हो जाएगा और ये कॉम्पोजिशन हो जाएगा आपके लिक्विड का देख रहे हो लिक्विड में ज़्यादा बी बच रहा है अब लिक्विड में बी बच रहा है और ए धीरे धीरे उड़ते हुए चले जा रहा है अब ज़्यादा ए वेपर फेज में जा रहा है आई होप समझ में आ रहा है अब इसके बाद जब आप यहाँ पहुँच जाओगे फिर से आपका कॉम्पोजिशन बदल गया है लिक्विड का अब लिक्विड में बी ज़्यादा है कैन यू सी दिस अब जितना लिक्विड में बी तुमने पहले लिया था बहुत सारा बी उड़ गया है पर अब बी ज़्यादा है लिक्विड में वहाँ पे ए कम है मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरा का पूरा सिर्फ लिक्विड बच गया कुछ लोगों को लगेगा सर जितना पहले ली बी लिया था कि अब बी पूरा लिक्विड में बचा रहेगा नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना बीच बीच में थोड़ा बहुत बी उड़ के जा रहा है ए भी उड़ रहा है बी भी उड़ रहा है पर ए ज़्यादा उड़ रहा है बी कम उड़ रहा है तो थोड़ी देर के बाद जब तुम लिक्विड देखोगे तो लिक्विड में क्या ज़्यादा बचेगा बी ज़्यादा बचेगा इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आप मुझे बताओ फाइनली क्या हो रहा है सर इसको तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं इसी को तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं ना आप क्या करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप एक बल्ब लेते हो बल्ब में लिक्विड लेते हो ए लिक्विड लेते हो बी दोनों को हीट करते हो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का मैकेनिज़म लगाते हो यहाँ पे कूलर रिजर्वोयर लगाते हो और यहाँ लेते हो अब जब दोनों को हीट करोगे ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ ए ऊपर निकल के आएगा और बी ऊपर निकल के आएगा अगर दोनों के दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है अच्छा एक और बात बता दूं दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो एक कंपोनेंट पहले सिर्फ निकलेगा और दूसरा बाद में नहीं तो हम उसको आराम से डिस्टिल कर सकते हैं आराम से एक को पहले निकाल लो तब तक बी उड़ेगा नहीं पर अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 25 डिग्री से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है अब जब तुम तो इन दोनों कंपोनेंट को हीट करोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज़्यादा वेपर बनेगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो कम उड़ेगा धीरे 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 ए उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा और धीरे धीरे लिक्विड में बी बचने लगेगा ऐसा नहीं है कि बी उड़ नहीं रहा आप यहाँ पर जो कलेक्ट करोगे वो ए प्लस बी करोगे पर उसमें ए ज़्यादा होगा और बी कम होगा और यहाँ पर बी ज़्यादा होगा और ए कम होगा उम्मीद करता हूँ समझ में आया पर ये सारी चीज़ आप कब पढ़ रहे हो जब आपके पास आइडियल सोल्यूशन है जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूशन इस तरीके से है अगर आपके पास एक पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन होता अब मैं सिर्फ एक ही एक ही मिक्सचर पढ़ाऊँगा एजियोट्रॉप का दूसरा आप समझ लेना मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सल्यूशन है जिसका पी नॉट ऑफ ए ये है और पी नॉट ऑफ बी ये है और ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है जिस अच्छा एक और बात बता दूँ ये जो चीज़ आपने पढ़ी है इसको लेवर रूल कहा जाता है इट इज़ कॉल्ड एज रेवल लेवर रूल ठीक है मैं इसको लीवर रूल कहता हूँ आप लेवर कुछ लोग लेवर कहते हैं और ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ना ये लाइन ये लाइन इस लाइन को टाई लाइन कहा जाता है तो मैंने लेवर रूल भी यहाँ पढ़ा दिया कुछ बच्चों को लेवर रूल पे भी डाउट था मेरे पास बहुत डिमांड आ रही थी सर लेवर रूल पढ़ा दो क्या होता है फेस रूल में मैंने फेस रूल का जो पूरा डायग्राम एक वीडियो सीरीज़ बनाई थी उसमें मैं ये पढ़ाना मैंने नहीं पढ़ाया था तो ये मैं अब पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो ये लेवर रूल का टाई लाइन होता है ये टाई लाइन है तो टाई लाइन क्या बताता है ऊपर बताता है वेपर कितना है और नीचे बताता है लिक्विड कितना है तो अपर लाइन को हम वेपर की लाइन कहते हैं और नीचे वाली लाइन को हम लिक्विड का तो यहाँ से अगर यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ तो लिक्विड कॉम्पोजिशन यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ तो वेपर कॉम्पोजिशन समझ में आया क्योंकि ऊपर वेपर है और नीचे लिक्विड है उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया क्लियर है अब मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है एक सल्यूशन है जिसमें इस कॉम्पोजिशन पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर है पी ऑफ सोल्यूशन मैक्सिमम है तो अगर मुझे इसका टी एक्स का ग्राफ बनाना पड़ा टी एक्स का ग्राफ अगर बनाना पड़ा तो बताओ कैसे बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ए का कम होगा टी ऑफ ए कम होगा इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ये टी ऑफ बी हो जाएगा और ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर है इस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम था तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मिनिमम होगा इस तरीके से अब भाई रूल लगा दो लेवर रूल लगा दो अब मुझे सर यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी और एक लाइन ऐसे ड्रा करनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर बताएगा वेपर फेज़ और नीचे बताएगा लिक्विड फेज समझा अब यहाँ से एक लाइन मुझे ऐसे ड्रा करनी पड़ेगी और एक लाइन मुझे यहाँ से ड्रा करनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर बताएगा वेपर फ़ेज़ और नीचे बताएगा लिक्विड फेज अब ये बीच की लाइन को मैं हटा देता हूँ अब आप समझ गए रहोगे बीच की लाइन क्या बताती है बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर की लाइन क्या बताती है उस कॉम्पोजिशन पे वेपर का फेस कॉम्पोजिशन कितना है और नीचे की लाइन क्या बताती है लिक्विड का कॉम्पोजिशन तो आप चाहो तो यहाँ पे ड्रा कर सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रा कर सकते हो दिस डॉटेड लाइन ओवर यर रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन अब मान लीजिए आपसे मैं कल को कहूँ मेरे पास इस कम्पोजिशन का एक लिक्विड है इस कॉम्पोजिशन का ये ये कॉम्पोजिशन है मान लेते हैं उसमें ए जो है वो एटी है और जो बी है वो जो बी है यहाँ पर वो ट्वेंटी है ठीक है तुम उसको हीट करो हीट करो हीट करो हीट करो हीट करो हीट करो, करो इस पॉइंट पे आते ही वो बॉयल होने लगेगा अब जैसे ही वो बॉयल होने लगेगा जैसे ही बॉयल होगा वेपर अलग हो जाएंगे और लिक्विड अलग हो जाएगा तो यहाँ से अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा वेपर का कॉम्पोजिशन और ये हो जाएगा लिक्विड का कॉम्पोजिशन वेपर कॉम्पोजिशन लिक्विड कॉम्पोजिशन उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया क्लियर है अब फिर इसको दोबारा हीट करोगे तो फिर से लिक्विड कॉम्पोजिशन मिलेगा फिर और हीट तो इस तरीके से आप जा सकते हो मतलब देखो सर एक सिंपल फंडा समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ आप एटी ट्वेंटी का अगर आप सोल्यूशन लोगे एटी ट्वेंटी का अगर आप सोल्यूशन लेते हो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट कम था बॉइलिंग पॉइंट कम था और बी का वेपर प्रेशर कम था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था और मैंने 80-20 का सोल्यूशन लिया 80% परसेंट ए लिया 20% परसेंट बी लिया उसको हीट किया हीट किया हीट किया हीट किया यहाँ से अगर एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ यहाँ से एक लाइन अगर यहाँ ड्रॉ करूँ ये मुझे बताएगा लिक्विड का कॉम्पोजिशन ये मुझे बताएगा वेपर का कॉम्पोजिशन ठीक है मतलब एटी का जो सोल्यूशन है उसको जैसे जैसे हीट करूँगा कुछ ऊपर उड़ेगा कुछ नीचे रहेगा कोई तो एक ज्यादा उड़ के जाएगा कोई तो एक कम उड़ेगा कोई तो एक ज्यादा उड़ के जाएगा कोई तो एक कम उड़ेगा और ऐसे करते 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 आप देख रहे हो ऐसे करते करते आपको अलग अलग धीरे धीरे डिस्टिलेशन होता रहेगा लेकिन कैन यू से दिस पॉइंट कैन यू से दिस पॉइंट ये एक ऐसा पॉइंट है ये एक ऐसा point, जैसे मान लेते हैं ये एक रेशियो ले लेते हैं इसमें ए ट्वेंटी परसेंट है ए ट्वेंटी परसेंट है और बी एटी परसेंट है बी एटी परसेंट है ए ट्वेंटी है अब आप इसको हीट करो 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 इस पॉइंट पे बॉयल हो जाएगा अब जब बॉईल हो जाएगा तो ये वेपर बन जाएगा ये वेपर का कॉम्पोजिशन हो जाएगा ये लिक्विड का कम्पोजिशन हो जाएगा अब लिक्विड में कौन ज़्यादा है लिक्विड में बी ज़्यादा है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो लिक्विड में रह जाएगा ए का बॉइलिंग पॉइंट कम था तो वो ज़्यादा उड़ जाएगा ये आपका हो गया ए का कॉम्पोजिशन लिक्विड वेपर का कॉम्पोजिशन अब एक लिक्विड में कौन ज़्यादा है बी ज़्यादा बी बढ़ गया टूअर्ड्स बी जा रहे हैं हम कह नहीं सी टूअर्ड्स बी जा रहे हैं टूअर्ड्स बी ये ए है और हम टूअर्ड्स बी जा रहे हैं तो ए कम हो रहा है बी बढ़ रहा है फिर इसको दोबारा हीट करोगे फिर से ये लिक्विड अलग हो जाएगा वेपर अलग हो जाएगा फिर से ही मतलब ईजिली डिस्टिल कर सकते हैं अब करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे कुछ देर के बाद आपके पास सोल्यूशन में सिर्फ बी बचेगा क्वान्टिटी भले ही कम हो जाएगी पर प्योर बी मिलेगा क्वांटिटी उतनी रहेगी जितनी आपने लेके शुरू की थी क्योंकि धीरे धीरे ए उड़ रहा था बी उड़ रहा था ए ज़्यादा उड़ रहा था बी कम उड़ रहा था ए ज़्यादा उड़ रहा था बी कम उड़ रहा था फाइनली सिर्फ बी रह गया ए पूरा उड़ गया पर पूरा प्योर बी लेने के लिए मुझे कुछ कुर्बानी देनी पड़ी बी की लेकिन सोचो इस पॉइंट के बारे में आप क्या कहोगे इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का वो कॉम्पोजिशन जिसपे वेपर प्रेशर सबसे मैक्सिमम था एक ऐसा कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर सबसे मैक्सिमम था मान लेते हैं 60% परसेंट ए था और 40% परसेंट बी वाला कॉम्पोजिशन था 60-40 का जो रेशियो था ए का और बी का उस समय वेपर प्रेशर सबसे मैक्सिमम था क्या मतलब 60 परसेंट ए और 40 परसेंट बी को अगर लिया तो मैक्सिमम रिपल्शन होगा और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा दोनों उड़ने की कोशिश करेंगे बॉइलिंग पॉइंट उस सोल्यूशन का सबसे कम होगा अब मुझे एक बात बताओ इस सल्यूशन को अगर मैं हीट करना शुरू करूँ मैं हीट करूँ हीट करूँ हीट करूँ हीट करूँ हीट करूँ और जैसे इस पे हूं, ही इस पॉइंट पर पहुँचता हूँ सर टाइलाइन ही नहीं है इधर बाकी सब कम्पोजिशन पर कहनी टाइलाइन था इस इस कॉम्पोजिशन का कोई टाई लाइन नहीं है मतलब जो तुमने लिक्विड 60 परसेंट ए का लिया और 60 40 परसेंट तुमने बी लिया इस कॉम्पोजिशन का वेपर प्रेशर सबसे मैक्सिमम है और बॉइलिंग पॉइंट सबसे मिनिमम है है ना इस पॉइंट पे है तो जैसे ही तुम इसको हीट करने लगोगे और जैसे ही तुम इसके वेपर बॉइलिंग पॉइंट पर आओगे और अगर थोड़ा सा ऊपर गया तो पूरा का पूरा वैसे का वैसा या तो वेपर बन जाएगा ऐसा नहीं होगा कि ए ज़्यादा गया बी रह गया ए ज़्यादा गया बी रह गया या बी ज़्यादा गया ना नए नहीं सिक्सटी फोर्टी वाला ये एक ऐसा स्पेशल अब देखो ये मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ हर बार सिक्सटी फोर्टी नहीं होगा अलग अलग सोल्यूशन का अलग अलग होगा जैसे यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर कब आया एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिक्सटी फोर्टी हुआ अलग अलग सोल्यूशन जैसे अल्कोहल और वाटर की बात करूँ आप अगर सी टू एच फाइव लेते हो और वाटर लेते हो तो अगर अल्कोहल नाइन्टी फाइव परसेंट लो और पानी को अगर फाइव परसेंट लो तो ये पे सबसे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है मतलब इस कॉम्पोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या नहीं आएगा ग्राफ नाइन्टी फाइव की साइड में आएगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा है ना वाटर का और अल्काहल का इथाइल एल्का्का्का्का्काहल का तो मैं अभी फ़िलहाल इस पर नहीं जा रहा हूँ आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा ये कैसे है अब इस पॉइंट पे जब तुम इसको हीट करने लगोगे करोगे 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 जैसे ही यहाँ पहुँचोगे बोलो क्या होगा सर टाइलाइन है ही नहीं कोई लिक्विड अलग नहीं होगा कोई वेपर अलग नहीं होगा वैसे का वैसा वो वेपर फेज में चला जाएगा और अगर कूल करोगे ऑन द स्पॉट वो लिक्विड बन जाएगा और जब तक इस पॉइंट पर रहोगे तो जो कॉम्पोजिशन ए का है और जो कॉम्पोजिशन बी का है उसी कॉम्पोजिशन में वो ऊपर उड़ के जाएंगे यानी आपका जो वेपर बनेगा वो वेपर भी 60 देखो परसेंटेज बोल रहा हूँ क्वांटिटी नहीं कर रहा आप इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लीजिए कल को मैं आपसे कहूँ मेरे पास लिक्विड है ठीक है मैं कह देता हूँ मेरे पास जो लिक्विड है वो साठ ग्राम मेरे पास ए था और एम में ले लेते ले हैं चलो ग्राम ग्राम ही लेते ग्राम ज़्यादा बेटर होगा साठ ग्राम ए था और चालीस ग्राम बी था और ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला सोल्यूशन बन गया मतलब मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इस पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब इसमें से ऑलरेडी कुछ वेपर्स चले गए होंगे वेपर्स चले गए होंगे और कुछ वेपर्स बी के गए होंगे अब क्वेश्चन क्या उठता पता है जितने वेपर ए के जाएंगे और जितने वेपर बी के जाएंगे वो सेम रेशियो में ऊपर जाएंगे वॉट इज द रेशियो सिक्सटी फोर्टी यहाँ पर भी जो रेशियो बनेगा वो रेशियो ऐसा बनेगा ये सिक्सटी ग्राम है ये 40 ग्राम है अब जब ये उड़ के ऊपर जाएंगे तो रेशियो सेम होगा सर ये रेशियो सेम होगा का मतलब समझ में नहीं आया देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ आपको शायद इससे समझ में आएगा अगर मैं कहूँ यहाँ पे 40 ग्राम था और मैं कहूँ यहाँ पे 20 ग्राम था मुझे बताओ ए का और बी का रेशियो कितना है सर चालीस ग्राम है और बीस ग्राम है ना मतलब टोटल साठ ग्राम का सोल्यूशन है अब टोटल कैलकुलेटर उठा लेता हूँ टोटल साठ ग्राम का सोल्यूशन है तो उसमें ए का परसेंटेज कितना है तो चालीस डिवाइडेड बाय साठ सर ए जो है वो सिक्सटी सिक्स परसेंट प्रेजेंट है तो बी कितना प्रेजेंट होगा सर जो बी होगा ना वो थर्टी फोर परसेंट प्रेजेंट होगा करके देख लो ये हो जाएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाई साठ है ना 33 थ्री परसेंट प्रेसेंट थर्टी परसेंट प्रेजेंट होगा अब मान लीजिए मैं कहता हूँ थोड़ी देर के बाद इस कम्पोजिशन का वेपर प्रेशर सबसे मैक्सिमम है बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आपने हीट किया हीट किया हीट किया हीट किया हीट किया रिक्विल बीरियम बॉयलिंग पॉइंट आ गया जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा जे ऑब्वियसली बात अब 40 ग्राम और 20 ग्राम भी नहीं बचेगा कुछ उड़ के चला जाएगा मैं कह देता हूँ यहाँ पे 20 ग्राम बच गया और मैं कह देता हूँ यहाँ पे 10 ग्राम बच गया ऊपर कितना गया 20 ग्राम गया और ऊपर कितना गया अरे अब बताओ नीचे का कॉम्पोजिशन कितना है और ऊपर का कॉम्पोजिशन सर सेम तो कॉम्पोजिशन है सेम कॉम्पोजिशन है कॉम्पोजिशन बदला नहीं है मतलब ये हुआ कि इस कॉम्पोजिशन को 60-40 का बाकी केसेस में कुछ भी हो सकता है नाइन्टी फाइव भी हो सकता है नाइन्टी टेन भी हो सकता है मैंने 60-40 का एग्जांपल लिया इस कॉम्पोजिशन को जब आप हीट करोगे 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 और जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पर जाएगा जो कॉम्पोजिशन लिक्विड का था उसी कॉम्पोजिशन में उड़ के वेपर बन जाएगा कोई डिस्टिलेशन नहीं होगा कोई ए उड़ के ज़्यादा नहीं जाएगा कोई बी उड़ के ज़्यादा नहीं जाएगा या तो लिक्विड साथ में बनेंगे या तो वेपर साथ में बनेंगे मतलब इस कॉम्पोजिशन को डिस्टिल नहीं किया जा सकता देखो बाकी सबको आप कर रहे थे आपने एटी टी ट्वेंटी लिया आपने हीट किया हीट किया हीट किया हीट किया हीट किया अब आपने देखा देखो लिक्विड का वेपर का कॉम्पोजिशन ये हो गया वेपर ये हो गया लिक्विड ये हो गया देखो लिक्विड ए की तरफ बढ़ा गया और वेपर में बी ज़्यादा हो गया लेकिन इस कॉम्पोजिशन पर इस कॉम्पोजिशन पर ऐसा कुछ नहीं होगा कोई पार्शलिटी नहीं होगी जैसे आइडियल सोल्यूशन में आप देख रहे थे आपने ये सोल्यूशन लिया सिक्सटी फोर्टी लिया आपने हीट किया अब कॉम्पोजिशन बदल गया ये लिक्विड का कॉम्पोजिशन हो गया ये गैस का कॉम्पोजिशन हो गया फिर इसको हीट करोगे ये लिक्विड का कॉम्पोजिशन हो जाएगा ये गैस का हो जाएगा कैन यू से टाई लाइन पॉसिबल है लिक्विड अलग हो जाता है लिक्विड का अलग कॉम्पोजिशन बनेगा वेपर का अलग क्योंकि उड़ के जा रहा है उड़ के जा रहा है लेकिन इसमें इस कॉम्पोजिशन इस पे तो ये जो कॉम्पोजिशन है जिसको आप डिस्टिल नहीं कर सकते उस मिक्सचर को 60, 40, ए के बी के मिक्सचर को <coughs> अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब ये जो मिक्सचर है आप इसको डिस्टिलेशन या सेपरेशन नहीं कर सकते

वो उनका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कॉम्पोजिशन होता है उस कॉम्पोजिशन पे अगर आपने सोल्यूशन बनाया है आप डिस्टिलेशन नहीं कर पाओगे जैसे ही हीट करोगे जैसे बॉयलिंग पॉइंट आएगा पूरा का पूरा या तो वेपर बन जाएगा या पूरा का पूरा लिक्विड बन जाएगा सेम कॉम्पोजिशन में रहेगा कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर विल रिमेन सेम दे विल नॉट ऑल्टर अच्छा ये तो पॉजिटिव डेविएशन की बात हुई नेगेटिव डेविएशन का मैं डायरेक्ट लिखूंगा सिर्फ अगर एक वेपर प्रेशर है ये वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ ए है ये पी नॉट ऑफ बी है और नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है इस पॉइंट पे नेगेटिव डेविएशन दिखाया है लोवेस्ट वेपर प्रेशर हो गया तो मुझे बताओ इसका पी एक्स का ग्राफ तो बना दिया टी एक्स का कैसे बनेगा तो ये वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बॉइलिंग पॉइंट टी ए हो जाएगा ये वेपर प्रेशर कम था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा अब ये मिनिमम वेपर प्रेशर दिखा रहा है मिनिमम वेपर प्रेशर मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा मैक्सिमम बॉयलिंग पॉइंट कैन यू से दिस उसी कंपोजिशन का मैक्सिमम बॉयलिंग पॉइंट होगा तो अब मुझे यहाँ पे क्या बनानी है सिर्फ टाई लाइन बनानी है लेवर रोल लगाना है तो ये लाइन हो गई लिक्विड की और ये लाइन यहाँ पर हो गई वेपर की वेपर की और यहाँ से ये लाइन यहाँ हो गई यहाँ से ये लाइन यहाँ हो गई अब आप चाहो तो इसको हटा सकते हो बीच में से ऐसा हमने सल्यूशन का ग्राफ यूजुअली टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया जाता है अब मुझे बताओ इससे क्या समझ में आया सर ये वो कॉम्पोजिशन है जिसको तुम हीट करो हीट करो हीट करो हीट करो एक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है क्योंकि इस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मिनिमम था पर जब तुम इसको हीट करोगे कोई सेपरेशन नहीं होगा जो लिक्विड जैसा है वैसे का वैसा वेपर बन जाएगा बाकी सब कॉम्पोजिशन को अगर आप हीट करते हो तो टाई लाइन आती है इसको इस कम्पोजिशन इस को हीट करो हीट करो हीट करो यहाँ जाएगा लिक्विड अलग हो जाएगा वेपर अलग हो जाएगा इस कॉम्पोजिशन को फिर हीट करो लिक्विड अलग हो जाएगा पर बाकी सब कॉम्पोजिशन पे पॉसिबल है इस कॉम्पोजिशन पे नहीं है तो ये आपका क्या हो गया ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तो व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है बाकी सब का बॉइलिंग पॉइंट बदल रहा है कैसे बदल रहा है आपने ये सॉल्यूशन लिया यहाँ तक बॉइल किया इस पर बॉइलिंग हो गया अब लिक्विड ये बन गया ये वेपर का कंपोजिशन है वेपर का कंपोजिशन अलग है पर लिक्विड का कंपोजिशन ये है पर ये लिक्विड का कंपोजिशन इस टेम्परेचर पे बॉईल होने वाला नहीं है आपको टेम्परेचर फिर से बढ़ाना पड़ेगा तब जाके अब ये बॉईल होगा फिर से बढ़ाना पड़ेगा तब ये बॉईल होगा कहीं उसी बॉइलिंग पॉइंट बदलते जा रहा है धीरे धीरे पर इस कॉम्पोजिशन का इस कॉम्पोजिशन का एक ही बॉइलिंग पॉइंट है और अगर उस बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर गए तो पूरा का पूरा लिक्विड वेपर बन जाएगा और उससे कम आए तो पूरा का पूरा वैसे ही लिक्विड बन जाएगा अब आपने अगर थोड़ा भी मेरा फेज़ रूल में यूटेक्टिक पढ़ा हो यूटेक्टिक के ग्राफ अगर पढ़े हो फेज़ रूल में तो आपको ये उसका कनेक्शन समझ में आएगा वहाँ पर भी हमारा जो बाइनरी सोल्यूशन का ग्राफ बनता था वो कुछ इस तरीके से बनता था अगर आपने नोटिस किया हो तो ये एक ऐसा पॉइंट आता था जिस पे सॉलिड को अगर हीट करो हीट करो या तो वो पूरा लिक्विड बन जाएगा या तो वो पूरा सॉलिड बन जाएगा एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर या तो पूरा लिक्विड बनेगा या तो उसके नीचे पूरा सॉलिड बनेगा मैंने फेज रूल पढ़ाया था काफ़ी हीट सीरीज़ गई थी वो तो आप अगर वहाँ देखोगे सेम रिलेशन यहाँ आता है तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं एजियोट्रॉपिक एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें या तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा या तो वेपर प्रेशर मिनिमम होगा या तो पॉजिटिव डेविएशन या तो नेगेटिव अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा और उस बॉइलिंग पॉइंट पर जैसे ही आप उस कॉम्पोजिशन को लेके जाओगे तुरंत वेपर बन जाएगा या तुरंत लिक्विड बनेगा सेपरेशन नहीं होगा उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से एजियोट्रॉपिक सोल्यूशनस के बारे में समझ में आया होगा लंबा वीडियो था पर बहुत कॉन्टेंट वाला वीडियो था बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई लेवर रूल समझा दिया डाल्टन लॉ समझा राहुल्स लॉ समझा दिया टी एक्स पी एक्स के ग्राफ आपको समझा दिए पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन मैंने आपको समझा दिया कैसे उसको प्लॉट किया जाता है समझा दिया इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आई वुड ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपके डाउट्स सारे क्लब करके एक साथ क्लियर कर सकूं मिलते हैं अगले वीडियो में टिल दिन बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल